गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज एके लाइफ एंड मस्ती। सो आई एम हेयर कृतिका। आप लोग को जैसे पता होगा कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले व्लॉग में भी मेरे, जो मैंने कल शूट करा था, कि मैं आपको रिलेटेड टू फूड वीडियोस बताऊंगी। तो यस, हमारा चैनल प्रॉपर व्लॉगिंग को भी दिखाता है कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या क्या हम लोग अच्छी चीज़ें करते हैं और क्या क्या हमारे जो मस्ती मजाक है वो भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग प्रॉपर एक फूड वीडियोस भी दिखाऊंगी मैं, कि जिसमें आपको प्रॉपर मैं कुकिंग वीडियोस नहीं बल्कि प्रॉपर आपको ये बताऊंगी कि कौन सा आपको किस तरीके से खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे हेल्थ के न्यूट्रिशन के लिए बेनिफिट करता है या बेनिफिशियल है। सो हम लोग, जैसे आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली रूटीन का, जो हम लोग हमेशा खाते ही हैं, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो है रोटी। तो जो हमारी डाइट कैसे चेंज हो सकती है, रोटी के बारे में क्या बातें हो सकती है ना। सो यस, अब मैं आपको रोटी के बारे में बताऊंगी। रोटी जो हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ रूटीन में खाते हैं, वो कौन सी रोटी होती है? वीट फ्लावर की। वीट फ्लावर जो होता है, ठीक है, अच्छा है हमारे लिए मतलब खाना वो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सोसाइटी का मेन पार्ट है जो हम छोड़ देते हैं, वो है मिलेट्स, या फिर जिन्हें बोलते हैं सूडो सीरियल्स। जो सूडो सीरियल्स क्या होते हैं, जो सीरियल्स की तरह दिखते हैं बट दे आर नॉट कंप्लीट सीरियल्स। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, बट वो मैक्सिममली इंडिया में एक्सक्लूड। बट जो मिलेट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो मिलेट्स कैसे, अब आप सोच होंगे एक छोटा सा ग्रेन हमारे लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है? तो यस, वो हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं जो कि एक नॉर्मल वीट फ्लावर में भी नहीं होती हैं। यस, चौंके मत इसको जान के, बट ये सच्चाई है। जो कि हम लोग मिलेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे गांव में, जैसे उत्तराखंड सबसे ज़्यादा आटा जो बिकता है वो वहाँ पे, जो गांव के जनरली लोग खाते हैं वो है मंडवे का आटा। बट जैसे शहर वाले लोग आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे ये तो मंडवे का आटा खा रहे हैं, तो काला है आटा, ये है वो, बट दे डोंट नो। जो आज के पीपल हैं उन लोग को पता नहीं है कि वो मंडवे का आटा हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आज से जो हमारे जो एल्डर्स थे उनको कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी एक डिकेड पहले तक का। क्यों? क्योंकि वो लोग उस आटे को खाया करते थे, उसकी रोटियां खाया करते थे, या उससे बहुत वेरियस वेराइटीज ऑफ चीज़ें बनाते थे। तो उससे क्या होता था, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके हेल्थ में इतना इफेक्ट, एंड लिव लॉन्गर लाइफ। तो अब मैं आपको इन्हीं मिलेट्स के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मिलेट्स का, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया। मिलेट्स आर न्यूट्री सीरियल क्रॉप्स। न्यूट्री सीरियल्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन से भरे हुए सीरियल्स, ठीक है। तो दे आर न्यूट्री सीरियल क्रॉप्स, और इनको जर्नली हम लोग स्टेपल फूड कहा जाता है। स्टेपल फूड का मतलब कि इनमें सारे के सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो माइनर विटामिंस और मिनरल्स हैं जो हमें नॉर्मल उसमें नहीं मिलते हैं, नॉर्मल वो इन सब में प्रेजेंट रहते हैं। सो यस, मैंने अपने घर के लिए, मैं नॉर्मल हर बार आटा बनाती हूँ, तो यस में से जैसे मार्केट से हम लोग नॉर्मल आटा ले आए, उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर मिक्स करती हूँ। बट देखो, मैं आपको इंडस्ट्रीज के नाम तो नहीं बताऊँगी, बट स्टिल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बोला जाता है, जो लोग आटा निकालते हैं, दे यूज टू से दैट वी आर प्रिपेयरिंग मल्टीग्रेन फ्लावर, मल्टीग्रेन दिस, मल्टीग्रेन दैट। बट जो मल्टीग्रेन्स जो उसमें यूज़ होते हैं, वो हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस नहीं करते फूड की। बट यस, अगर आप मिलेट्स डालोगे अपने खाने में, या अपने उनका फ्लावर अपने उसमें यूज़ करोगे, तो इट विल प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स टू यू एज वेल। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मिलेट्स के बारे में। जो बेसिक इन्फो है मेरे पास, वो तो मैंने आपको दे दी है कि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, एंड इसमें कंपैरिजन टू अदर सीरियल्स, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स, मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, पॉलीफेनॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आप इनका कलर देखोगे, कोई डार्कर कलर्स के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिंगर मिलेट फ्लावर, तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपके पॉलीफेनॉल्स होंगे, इस वजह से इसका कलर ऐसा होता है। अगर हम इनका अपनी डाइट में रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हमको? सबसे पहले हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। यस, बिल्कुल, जो आपको जिन पर्सनस का या जिन पेशेंट्स का हेल्थ कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर वो मिलेट्स खाएंगे, और बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेफर भी करते कि आप लोग आफ्टर अबव 30 आप मिलेट्स खाना शुरू कर दो, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे कहते हैं, ब्लड शुगर लेवल, वो आपका मेंटेन रहता है, आप डायबिटिक
के पेशेंट नहीं होते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, आपको कैंसर के अगेंस्ट भी ये काम कर जाते हैं एंड एंटी ट्यूमरस भी होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपके जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो अब मैंने वैसे ये प्रोमो वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग का चैनल इतना बड़ा है नहीं कि जो हम प्रोमो वीडियो क्रिएट करें अभी। बट येस, मैंने अमेजोन से 2-3 मिलेट्स ऑर्डर करे थे, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ ये चीज़ शेयर कर ली जाए। तो मैंने जो फर्स्ट मिलेट ऑर्डर करा, आप उसमें साइड वीडियो में देख रहे होंगे कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स फ्लावर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको वो है अमेरिंथ फ्लावर के बारे में। तो अमेरिंथ फ्लावर का पैकेट जो है वो ऐसा है, वो आपको उधर दिख गया होगा। तो अमेरिंथ फ्लावर, अमेरिंथ को हम लोग बोलते हैं, सूडो सीरियल के अंदर आता है। अमेरिंथ इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का मतलब कुछ प्रोटीन्स आपस में जोड़ के, जब हम अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनसे बनते हैं प्रोटीन्स। तो कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हमारे फूड सोर्सेज में नहीं मिलते, जो कि इनमें मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं मिलेट्स में। तो अमेरिंथ इज़ वन ऑफ देम। अमेरिंथ में मिनरल्स, वाइटमिन, वो भी सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर आप अमेरिंथ को खाओगे तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये रिड्यूस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मिलेट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ पहले बता दी थी। उसके बाद हम बात कर फिंगर मिलेट्स फ्लावर की, वो भी आपको उस बैनर में साइड में दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट कम फिंगर मिलेट्स फ्लावर। सो फिंगर मिलेट्स फ्लावर के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसका हिंदी नाम होता है आपका जो मंडुआ हो गया, रागी हो गया, इसको हिंदी में हम ये बोलते हैं। एंड येस, अगर आप मुंबई की तरफ चले जाओगे तो इसको बोला जाता है नाचनी, आप बोलते हैं नाचनी की रोटी। तो वहाँ पर भी ये लोग ये खाते हैं। क्यों खाते हैं? बिकॉज ये आपका ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम है, आयरन है, पॉलीफिनॉल्स हैं। एंड येस, मैं बोलूँगी दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीफिनॉल्स। तो आपको इन गोधू मिल, जो आपका ये फिंगर मिलेट है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इसको अपनी डाइट में हफ्ते में एक दिन भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। सो नेक्स्ट कम लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट का हिंदी नाम हमारा जो आता है वो है कुटकी। तो हिंदी नाम में जैसे आपको पता चलता है लिटिल मिलेट, ये इंडिया की तरफ थोड़ा कम मिलते हैं, बट जो थोड़ा अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या यहाँ पे बंगाल की तरफ, इधर आपको मिल सकते हैं ये लिटिल मिलेट ज़्यादा। तो इसमें आपका मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैग्नीशियम अगर जितना ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आपका हार्ट अटैक प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपका हार्ट मेंटेन रहता है, प्रॉपर हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है। एंड सेकेंड, इसमें विटामिन B3 होता है। B3 का साइंटिफिक नेम इज नियासिन, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, और ये विटामिन कहीं पर अवेलेबल नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिटिल मिलेट में है, अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें अवेलेबल रहता है। सो सॉर्गम को हिंदी में हम लोग कहते हैं आपका ज्वार। तो ज्वार क्यों बोला, ज्वार आपने सबने सुना ही होगा नाम, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। दिस इज़ द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। तो आपको जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उनको ये, अगर आप सॉर्गम अपनी डाइट में लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके बाद इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली ये कि आपके अगेन बॉडी हेल्थ को, बॉडी मेटाबॉलिज्म को, तो अलग मिलेट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, मैंने जो मंगाए हैं वो है पोर्सो मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट। सो पोर्सो मिलेट का हिंदी में जो नाम है वो है आपका बारी या चेना। चेना इसको बंगाल की तरफ बोला जाता है, एंड देन बारी इज़ द नॉर्मल नेम। आप इसको हिंदी में बारी या चेना के नाम से जानते हैं। तो इनका भी वही न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद है फॉक्सटेल मिलेट, इन्हें बोलते हैं ककुन। तो मेरे को पता नहीं है एक्चुअली कहाँ पर अवेलेबल है, बट यस, ये अफ्रीका में भी होते हैं। तो इन सब का, इन टोटल मिला के जो भी आपके मिलेट्स अगर आप लेते हो, हार्ट की हेल्थ में हेल्थ इम्प्रूव होती है। नेट्स कम अमेजोन से, बीबी ऑनलाइन स्टोर से। तो ये सारे के सारे पैकेट्स में इन्होंने लिखा है कि देर आर नो GMO सीड्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी GMO सीड्स नहीं है, एंड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड नो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स इज एडेड टू इट। और यस, अगर आप फिंगर मिलेट फ्लावर अपनी डाइट में रेगुलर ले रहे हैं तो ये मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि इससे वेट लॉस काफ़ी होता है। बताती हूँ कि इस फ्लावर को बनाया जाता कैसे है। तो To prepare this, 4 kg of refined wheat flour was taken. To it, 250 gram of first pearl millet flour was added. उसके बाद foxtail millet flour was added, and then little millet flour was added. Flour
At the end, finger millet flour was added. These flour were added of 250 gram and amaranth was pre-added quantity of 500 grams. So yes, after preparation, after addition of all the ingredients, what you have to do, you have to mix it with either your hand or aap koi bhi spoon wagera use kar sakte ho. And then after mixing, your nutritional composite flour is ready. You can prepare chapatis out of it and you can prepare any other nutritional dishes. So, आप लोगों को पता चल गया होगा डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स फ्लावर के बेनिफिट्स के बारे में और उन्हें कैसे बनाया जाता है. सो एक छोटा सा ये एक मेरा चीज़ था, डेमो था, जो मेरी नॉलेज है मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि हाँ, मिलेट जितना ज़्यादा हो सकता है मिलेट्स का कंजम्पशन इंक्रीज करो. भले ये महंगे आते हैं बट स्टिल आपको ये हम अपनी डाइट में रेगुलर रेगुलर लेने चाहिए. दिस इज वेरी मच कंपल्सरी इन योर डाइट. और स्पेशली जो आपके घर में बुजुर्ग हैं 30 साल से ऊपर के, जो जितने भी महिलाएं हैं, मैं उन्हें ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि अपने डाइट में मिलेट्स फ्लावर लेना शुरू कर दें. और जितने भी मतलब एल्डरली पीपल हो गए अबव 50 या 60 से ऊपर हैं, वो प्लीज़ अपनी डाइट में इनको ज़रूर लें और रोज़ इन्हीं की चपातीस खाएं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और ग्लूटेन फ्री जो भी क्रॉप्स हैं तो दे आर हेल्थ बेनिफिशियल ऑल्सो. दिस वॉज द ओनली थिंग. आप बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ AK लाइफ एंड मस्ती. बाय.